हाय स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली एक ए की दूसरी सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पे दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस रूप में होता है और q आपका कोई पूर्णांक। तो यहाँ पे अभी सम विषम की बात छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक है ए, मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक है ए। ठीक, अब इसमें 6 से भाग करते हैं और मान लीजिए क्यू बार जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आता है और आपका शेषफल मान लीजिए आर आता है। क्या करना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक वो है आपका ए। अब उसमें क्या करना है, 6 से भाग करना है, क्यू बार जाएगा, आर आपका शेष बचेगा। और आप लोगों ने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यानी ए का मान क्या आएगा आपका, 6q+r, यही आएगा। 6 आपका भाजक है, भागफल क्यू है, शेष आपका आर है। ठीक है, अब यहाँ पे आर का मान क्या आएगा आप लोग जो है पता लगा सकते हैं। आर यानी शेषफल, शेषफल तो आपका 6 से कम ही आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी शेषफल आ सकता है क्योंकि शेषफल 6 से तो कम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर शेषफल मान लीजिए 0 लेते हैं, ए बराबर 6q+0 तो आपका क्या आ जाएगा, 6q। अगर शेषफल 1 लेते हैं 6q+1, अगर शेषफल 2 लेते हैं 6q+2 हो जाएगा, अगर शेषफल 3 लेते हैं 6q+3, 4 लेने पर 6q+4 और 5 लेने पर 6q+5। अब देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, सम 6q है यानी 6 का मल्टीपल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 का मल्टीपल तो क्या आएगा आपका, सम, ये तो सम आ जाएगा। अब देखिए 6q+1 ये आपका क्या आ जाएगा, विषम। 6q+2 ये आपका आएगा सम क्योंकि प्लस 2 है, ये भी आपका आएगा सम क्योंकि प्लस 4 है, लेकिन ये आपका आएगा विषम और ये आपका आएगा विषम। यानी कौन कौन सा विषम आ रहा है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो यही आप लोगों को सिद्ध करना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि अगर 6q, 6q+2 और 6q+4 की बात करेंगे तो ये आपका सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है दिखाना है, तो विषम जो होंगे वो इसी रूप में होंगे। ठीक है।